द इंट्रोड्यूसिंग बाय रियलमी एक्स थ्री। जी हाँ फ्रेंड्स, रियलमी एक्स टू के सक्सेस के बाद अब रियलमी अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रियलमी एक्स थ्री बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है और ये फ़ोन हमें मिड रेंज में ही देखने को मिलेगा। इसके कुछ स्पेक्स और लिक्स भी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि मुकुल शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फ़ोटो पोस्ट की है फ्रेंड्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि रियलमी एक्स थ्री के मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है, जिसमें RMX2103 के नाम से दिया गया है। इससे ये कन्फर्म होता है फ्रेंड्स कि बहुत जल्द रियलमी की तरफ से एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें एक बड़ी डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, दमदार प्रोसेसर और 4500 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज अब इस वीडियो में इसी रियलमी एक्स थ्री के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे ये फोन इंडिया में कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो ये फोन सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। इसमें हमें 6.7 inches की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो क्वालकॉम का लेटेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, यह प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है। इसमें हमें 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलने वाली है, जो बेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें हमें एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो बेस्ट होगा MIUI 11 पर। अगर आप गेमिंग लवर हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पावरफुल प्रोसेसर के साथ 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो रियलमी एक्स थ्री में हमें 64 megapixel का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। इसका मेन प्राइमरी कैमरा 64 megapixel का होगा, जिसमें हमें सोनी का लेटेस्ट सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो सोनी IMX686 सेंसर के साथ आएगा। इससे फोटो और वीडियो काफी कमाल की आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सेकेंड कैमरा 8 megapixel अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, थर्ड कैमरा 5 megapixel टेलीफोटो लेंस और लास्ट 2 megapixel माइक्रो लेंस के साथ हमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कई तरह के मोड ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्लो मोशन मोड काफी कमाल का मिलने वाला है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो सिंगल पंच होल कटआउट के साथ आएगा। ये फोन हमें दो वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है, बेस्ट वेरिएंट 6+64GB और सेकंड वेरिएंट 6+128GB के साथ आएगा। इसमें हमें 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो आएगा फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। इसमें हमें 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ 3.5mm का ऑडियो जैक और एक अकेला टाइप सी पोर्ट भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब इसका लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये फोन हमें 15,000 के बजट प्राइस में ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जिसके कारण ये फोन हमें 15,000 के प्राइस में ही देखने को मिल सकता है। और ये फोन रेडमी जैसे ब्रांड को एक टफ कंपटीशन देने वाली है। ऑफिशियली इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये फोन हमें अप्रैल से मई के बीच में ही देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे रियलमी एक्स थ्री के स्पेक्स और लिक्स जो सामने निकल कर आई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मोबाइल से रिलेटेड इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।